अम्बाई बुजुर्ग कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां लगभग 200 से अधिक दलित परिवार के लोग रहते हैं, जिनके बीच में एक हैंडपंप लगा हुआ है जो सार्वजनिक है, लेकिन वो हैंडपंप 4 महीने से खराब होने के कारण लोगों को ये गंदा पानी भी देता है, और जिसके गंदा पानी पीने के जरिए से प्रभावती है, पार्वती हैं, दिलीप हैं, और इनके अलावा भी तमाम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको पानी पीने के जरिए से तमाम प्रकार की पेट की समस्या हो रही है। मेरा नाम दिलीप कुमार, हमारा नलका लगभग 4 महीने से गंदा पानी दे रहा है। गंदा पानी के पीने की वजह से तमाम तरीके की बीमारियां हैं। अगर ये नलका बन जाए तो हमारी दिक्कतें हल हो सकती हैं। हमारा नाम आरती देवी, हमारे हैंडपंप से गंदा पानी निकलता है, हम गंदा पानी पीते हैं तो पेट में तकलीफ हो जाता है। गंदे आए दिन कपड़ा पहनते, गंदे पानी से कपड़ा नहीं धो पाते। मेरा नाम करण सिंह है, ग्राम प्रधान अम्बाई बुजुर्ग कड़ा कौशाम्बी। अभी वीडियो वॉलंटियर महेश जी ने बताया कि इनके समुदाय में हैंडपंप खराब है, और मैं अभी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द हैंडपंप बनवा दूं, जिससे मतलब लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अम्बाई बुजुर्ग में हैंडपंप खराब होने से 150 लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर मैंने जनवरी 2014 में एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद समुदाय के साथ मिलकर मैंने काफ़ी संघर्ष किया, तब जाके यहाँ बदलाव आया। आपके यहाँ जो हैंडपंप खराब था, वो हैंडपंप किस तरह ठीक हुआ, बताइए उसके बारे में आप। वो हैंडपंप महेश कुमार ने वो वीडियो बनाया, उसको फिर वीडियो दिखाया और एप्लीकेशन लिख के कड़ा ब्लॉक में दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी जांच की, फिर उसके बाद मिस्त्री को भेजा, मिस्त्री ने इसे बनाया। उसके बाद इसमें इसका पानी तब ठीक हुआ। इसके पानी ठीक होने के बाद फिलहाल अच्छा पानी से अब हम लोग खुशहाल। आपके यहाँ जो हैंडपंप खराब था, वो किस तरह हल हुआ? हमारा हैंडपंप तो खराब हो गया था जनवरी 2014 में, जब से काफ़ी दिन से पड़ा रहा है। फिर महेश कुमार जो वीडियो वाले हैं ना, उन्होंने आए देखे पूछे तो हम लोग बताए, फिर अपने स्तर से उन्होंने बनवाया, सब लोगों की इकट्ठा करके वहाँ एप्लीकेशन लिखे कड़ा ब्लॉक गए, वहाँ वीडियो के देने, वीडियो नहीं थे तो वीडियो को देकर वहाँ से चले आए। फिर काफ़ी दिन के बाद मिस्त्री बुला के हैंडपंप हमारा ठीक करवा दिए, अब सही है। हमारे पास केवल 500 रुपये प्रति हैंडपंप के हिसाब से मरम्मत के लिए बजट आता है, और उसके बाद रिबोर का बजट जल निगम को ही जाता है। अगर मरम्मत की योग्य है तो मिस्त्री से लिखवाएगा कि इसमें ये सामान की आवश्यकता, तब ये चलेगा। वो फिर हमारा कर्मचारी उसको ले आ करके यहाँ BDO साहब को लिख के देगा, BDO साहब उसकी टेक्निकल जो हमारे JEE होती है उस पर रिपोर्ट लगाएंगे कि ये बात सही है, और उन्हें अनुमति दे दी जाएगी उसी पर कि आप जा कर के अपने अतिरिक्त बजट जो है खर्च कर दें। मैं चाहता हूँ इसी तरह इशू वीडियो बनते रहें और समुदाय की समस्याओं को दूर कराने मैं उनकी मदद करता रहूं। मैं महेश कुमार, कड़ा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।